मैं अभय सिंह राठौर शासकीय प्राथमिक शाला छिरहा विकासखंड बेमेतरा जिला बेमेतरा से आज इस जिला स्तरीय कबाड़ से जुगाड़ प्रदर्शनी में मैं अपना कुछ सामान लेके आया हूँ जो कबाड़ से बना हुआ है। पहले मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये ग्लोव है। ये पुराना ग्लोव था जो स्कूल में रखा था, पानी वानी पड़ के इसका ऊपर का जो परत है वो ख़राब हो गया था। इसको मैंने पेंट करके सफ़ेद कलर पेंट करके इसमें पेंटिंग किया है। पेंटिंग करने के बाद इसमें मैंने सीज़न को बताया है, जैसे समर सीज़न से स्टार्ट करते हैं तो समर सीज़न में कैसा रहता है, तो उस समय सूर्य की रोशनी तेज़ हो जाती है, लोग कम कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, गर्मी बहुत हो जाती है। अब गर्मी जैसे ही गया उसके बाद आता है मानसून सीज़न, ये नीचे हिंदी नाम है ऊपर इंग्लिश नाम है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में बारिश होती है, छाता की ज़रूरत होता है हमको। उसके बाद आता है ऑटोमन सीजन, पतझड़ का समय, शरद ऋतु, इसमें पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं। उसी तरह से बारी बारी से जब हम इसको घुमाते जाएंगे, छह ऋतुओं को बताया गया है कि ऋतु किसके बाद कौन सी ऋतु आती है, और ऋतु के साथ साथ उस समय वातावरण कैसा रहता है, उस समय लोग कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। जी सर, तरह तरह के कपड़ों के बारे में भी इसके माध्यम से बच्चे जान सकते हैं, वातावरण को भी बच्चे जान सकते हैं, ये बताने की कोशिश किया मैंने इस ग्लोव से। जी, इसके बाद है सर, ये है वाटर हार्वेस्टिंग का। जी, हम इसमें पानी डालते हैं ऐसे, तो ये वाटर हार्वेस्टिंग काम करता है। इसको दिखाते हैं, ये हमारा बारिश का पानी छत से होके गया कुआं में। जी, अब कुआं के पानी को हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से गार्डन में गाड़ी धोना है, जो भी उपयोग करना पीना है, ये पानी हम इसकी सहायता से उपयोग कर सकते हैं। जी सर, बहुत बढ़िया। ये जो जिस डिब्बे से इसको बनाया हूँ उसी के बचत वाले हिस्से से मैंने इसको बनाया है। अच्छा, ये है, इसमें हम मोबाइल लटका सकते हैं उसको दीवार में ऐसे रख के इस तरह से। और ये पुराना राखी है जिसको मैंने इसे आकर्षक बनाने के लिए इसमें लगा दिया है। इसके बाद है ये डिब्बा है जिसका नीचे वाला हिस्से से मैं कुआं बनाया हूँ। अच्छा, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उससे मैंने फेफड़ा को बनाया है। अच्छा अच्छा, हमारा फेफड़ा किस तरह से काम करता है, जैसे हम सांस लेते हैं तो फेफड़े में ऑक्सीजन भर जाता है, सांस छोड़ते हैं तो हमारा फेफड़ा खाली हो जाता है। इसको मैंने इस कबाड़ से जुगाड़ में बनाया है। अच्छा अच्छा, इसके बाद ये आता है हमारा वायुदाब। वायुदाब के लिए, वायुदाब किस तरह से काम करता है जी, तो इसको मैंने इस मॉडल के माध्यम से बताया है। जी, वायुदाब। इसको हम समझते हैं सर, इसको इस मॉडल के माध्यम से। अच्छा, ये अभी पानी बाहर नहीं आ रहा है, पर जैसे ही हवा का दाब इसमें आएगा, वायु दाब, ये पानी ऑटोमेटिक बाहर जाने लगेगा इस तरह से। अच्छा, जब भी वायु का दबाव ज़्यादा होगा तो ये फोर्स भी बढ़ जाएगा। अच्छा, इसको मैंने इस कबाड़ से जुगाड़ में इसको बनाया है। जी, इसके बाद है ये कलर वाला डिस्पोजल। जी, जैसे जैसे हम इसको घुमाते जाते हैं। जी सर, ये ऊपर कलर का नाम, नीचे कलर का नाम है, ऊपर कलर को बता रहे हैं। अच्छा, फिर इसको घुमाते हैं, ये आ जाता है येलो आ गया, फिर इसको घुमाए आ गया पिंक, फिर ये ब्लू। अच्छा, इस तरह से हम इसको घुमाते जाते हैं, अलग अलग रंग आते जाते हैं। बहुत बेहतरीन सर। एक डिब्बे भी नहीं आया तो मैंने यहाँ दो डिब्बा लिया है। जी, जैसे पर्पल, अच्छा, ब्राउन, जी जी, ऑरेंज, इस तरह से। बहुत बढ़िया। ये है सर पैराशूट। अच्छा, क्या चीज़ का बनाई? ये है बलून, पहले एक बलून फुलाया था सर इस तरह से। बलून को फुलाने के बाद उसमें मैंने पेपर का टुकड़ा काट करके फेविकोल में डुबा के उसको चारों ओर से ढक दिया था। वाह, बहुत एक घंटे सूखने, धूप में सूखने के बाद मैंने इसको छेद कर दिया, यहाँ का हवा निकल गया, इसके बाद ये खाली हो गया। इसको मैंने पेंट करके, ये डिस्पोजल है जिसमें सब्जी वगैरह लेते हैं, जी, तो डिस्पोजल को यहाँ लगा दिए हैं। और जब हम मोमबत्ती जलाते हैं सर, जी, तो ये गर्म हवा जब आता है तो ये ऑटोमेटिक उड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बात है सर। ये पुराना मोजा है। अच्छा, पुराने मोजे से मैंने बच्चों के लिए खिलौना बनाया। अच्छा, ये पुराना मोजा है और
ये एक मोजा था बच्चों का, जो मोजा गुम गया था, ये बच्चे के टोपी काम कर रहा है, खिलौने का काम कर रहा है। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको बनाया है। और वर्तमान में हम छत्तीसगढ़ के लोग भी हमारे छत्तीसगढ़ के आभूषणों को भूल रहे हैं जी। इसके लिए मैंने कुछ आभूषण बनाए हैं, जैसे ये नागमोरी है, इसको बाजूबंद यहाँ बाजू में पहना जाता है। अच्छा, ये ऐठी है, इसको महिलाएं चूड़ी के सामने यहाँ पहनते हैं। ये है लच्छा, पैर में पहनते हैं, पैर में पहना जाता है। हाँ। ये सूता है, अच्छा, चांदी का रहता है, जिसको गले में पहनते हैं। हाँ। ये दोनों गुड़िया है, अच्छा, ये बाह में पहनते क्या इसको? हाँ, इसको सर, ये इसको गले में पहनते हैं। अच्छा, गला वाला है ना? अच्छा, पहनते हैं इसको। उसके बाद ये पुराना साड़ी में जो लगा हुआ कांच था, उससे मैंने कटवा बनाया। अच्छा, जी हाँ, सूखने के बाद ये कटवा है सर। और ये इसको बोलते हैं पटिया, अच्छा, आदिवासी लोग पहनते हैं इसको। हमारे स्कूल में प्रोग्राम होता है तो उस समय बच्चों को ऐसे पहनाते हैं इसको। ये जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए अलग है सर। अच्छा, इसमें ये दोनों तरफ ऐसे लटका रहता है, ये वाला हिस्सा हमारा ऊपर ऐसे रहता है। अच्छा, लेडीजों के लिए है। इसके बाद ये सुहाई है सर, जो गाँव में गायों को पहनाया जाता है। जी जी, सुहाई पड़ा हुआ मिला मुझे, इससे मैंने बच्चों के लिए कमरपट्टा बनाया। वाह, ये है सर एक पुराना पुट्ठा है, जैसे कवर बच्चे लेते हैं दुकानों में। हाँ हाँ, इसके अंदर में लगा हुआ कवर है। अच्छा, इस कवर को मैंने छेद करके हाँ, यहाँ पर पॉलीथीन लगा दिया, रबड़ लगा दिया है, इससे हम बाजा बना सकते हैं। इसमें हम गाना भी गा सकते हैं। गांव में इसको तुतरू बोलते हैं, इसको तुतरू पोंगरी, बच्चे पोंगरी बोलते हैं, स्कूल में बोलते हैं इसको। ये है सर, ये कठपुतली है सर, इसको बाल सभा करते हैं। जी जी, या कभी भी क्लास में बच्चों को मनोरंजन कराना है तो एक आध को गाना मोबाइल में चला दिए। हाँ, उसको नचवाने लगते हैं। हाँ, बच्चे भी इसी थीम में, बच्चे भी इसका देख देख के नाचना शुरू करते हैं। अच्छा, इसके अलावा इस कठपुतली से हम बुक टच बेड टच को बच्चों को आसानी से समझाते हैं। जी जी जी, किसी भी बच्चे को सामने ला के उसके पार्ट्स को कहीं बताओगे बच्चा अनकम्फर्टेबल फील करता है, तो इसके माध्यम से हम उसको आसानी से बता देते हैं। जी, यह सर घर में कुछ भागवत का प्रोग्राम हुआ, उसमें का बचा हुआ खाली है, इसमें मैंने सभी पर्यायवाची शब्दों को लिखा है। ये है इस तरह से, जैसे बादल को और क्या क्या कहते हैं। इसके अलावा इसी में मैंने भिन्न को भी बताया। अच्छा, ये भिन्न को 1/4, 2/3/4 भिन्न को, और ये है कलर वाला। अच्छा, कलर का नाम भी लिखा है। बच्चों को एक सिक्का फेंक देते हैं ऐसे घुमा के, और एक कौन सा कलर है तो बच्चे कलर के बारे में बताते हैं। अच्छा, फिर है सर ये पेंसिल का छिलका है सर। पेंसिल के छिलके से मैंने घर को सजाने के लिए, स्कूल को सजाने के लिए ये बनाया है पेंटिंग करके। ये उसका टोपी, ये पुराना पेपर है। अब ये जो है मास्क है, पुराना मास्क था, पुराने मास्क को काट के मैंने, जो दोनों तरफ लगा हुआ मास्क है, उस मास्क से इस तरह का मास्क है। तो ये जो ऊपर वाला जो सब वाइट दिख रहा है वो इधर का हिस्सा है, जो ब्लू दिख रहा है वो इधर का हिस्सा। अच्छा, और जो इलास्टिक वगैरह है, जो जूड़ा में लगाया हूँ, चूड़ी वगैरह बना, वो इलास्टिक है। अच्छा, इससे मैंने सजाया है। इसके अलावा ये तुमा है, तुमा छत में सूख गया था, सूखने के बाद इसके अंदर के हिस्से को मैंने चाकू से साफ किया है, इसको साफ कर दिया है। इसके बाद इसने पेंटिंग करके फूल बनाया है, और कांच मिला तो कांच भी लगा दिया। अंदर में ये बल्ब लगा है। अच्छा, अंदर से ये बल्ब लगा है। हाँ हाँ, इसको हम अंदर डाल के यहाँ पर ऐसे लटका देते हैं। और ये वायर है, ये बंद कमरे में समझ आएगा सर। हाँ, कहीं पर इसको हम जलाते हैं यदि किसी कमरे में, तो वो पूरा कमरा जिस भी कलर का बल्ब जलेगा, यहाँ से रोशनी बाहर आती है, वो एरिया उसी कलर का होता है। ये जब ये घूमता है सर हल्का, ये भी तुमा का है ना? ये भी तुमा का है, हल्का घूमता है तो इसका लाइट भी बाहर आता है।